और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा है और कहा है कि चमड़ी के रंग से पित्रोदा ने देश को गाली दी है। अमेरिका वाले अंकल ने काले रंग वालों को गाली दी है, शहजादे को जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री ने सैम पित्रोदा के उस बयान की आलोचना की और उनको जमकर घेरा और राहुल गांधी से सीधे तौर पर जवाब मांगा कि इस बात का जवाब उनको देना चाहिए। त्वचा के रंग से, चमड़ी के रंग से देश को गाली दी सैम पित्रोदा ने, यह कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी बेटी थी उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के एक अंकल रहते हैं, ये शहजादे के अंकल वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था।